यूं तो उत्तराखंड का हर हिस्सा कुदरत की खूबसूरती को अपने आगोश में समेटे हुए है। ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के साथ धर्म और संस्कृति के अनुसंधान की यह धरती, पवित्र नदियों का उद्गम और संगम, धार्मिक धरोहर, अस्थिर भौगोलिक आकार की इस धरती पर स्थिरता के कई बड़े उदाहरण मौजूद हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, सुंदर वादियां, मानव जीवन के लिए प्रकृति का वरदान और यहाँ की वनस्पतियां, पहाड़ की आबोहवा में सब कुछ है। दुनिया की चहल पहल और आपाधापी से दूर पहाड़ सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली शक्तियों का भंडार है। इसकी यही खासियत दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींच लाते हैं। पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड का हर हिस्सा अपने आप में बेहद खास है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बसती है प्रकृति की सबसे बड़ी संपदा, आंखों को चकित कर देने वाले नजारे, मन को सुकून और शांति से भर देने वाली वादियां और मानव काया को रोग से मुक्त कर आरोग्य का वरदान देने वाली औषधियां। उत्तराखंड के टिहरी जिले का सीमांत क्षेत्र भिलंगना घाटी गढ़वाल क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता घुमंतू पिंसवाड़ा और भारत तिब्बत सीमा पर बसा गंगी गांव। टिहरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा गंगी गांव कुदरत के खजानों से भरपूर है। करीब 150 परिवार की आबादी वाले इस गांव में रोम रोम को सुकून और ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाली ये वादियां हैं। अपने आप में अनोखा है ये गंगी गांव। कहा जाता है कि गंगी के निवासी कई पीढ़ियों से एलोपैथिक दवाओं का सहारा नहीं लेते। इसकी बड़ी वजह है यहाँ मिलने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां, जो संसार के किसी और कोने में नहीं मिलती। पर्यटन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र अनोखा है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। चारों ओर हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ ही ग्लेशियर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गंगी का इलाका, मखमली बुग्याल अपने आप में प्रकृति का अनोखा खजाना छुपाए हुए है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन में एक नए रोमांच का अनुभव कराती है। गंगी खूबसूरती में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। भिलंगना घाटी में बसे गंगी गांव में भिलंगना नदी के उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्रताल के साथ ही पमाली काठा की ट्रैकिंग होती है। यहीं से कुछ ही घंटों का सफर करके पैदल केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। गंगी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पर्यटन के लिहाज से अब तक यहां विकास नहीं हो पाया है। उसकी वजह है यहां की भौगोलिक परिस्थितियां। यहां अब तक ना तो बिजली पहुंच सकी है, ना ही होमस्टे की सुविधाएं हैं। गंगी के रहने वाले स्थानीय निवासियों की चाहत है कि यहां भी पर्यटन की राहें खुलें, यहां की सुंदर वादियां सैलानियों के सैलाब से गुलजार हों, ताकि गंगी की दशा और दिशा बदल सके। और गंगी में पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, और यहां से एक रास्ता खतलिंग के लिए जाता है, खतलिंग ग्लेशियर है, और एक रोड वहां से केदारनाथ को जाती है, ऊपर से मसुरताल होते हुए और केदारनाथ बासुकीताल होते मैली पास होके एक वहां से गंगोत्री को लिए जाता है। गंगी में पर्यटकों की बहार के लिए प्रशासन भी लगातार जरूरी कदम उठा रहा है। पर्यटन की दिशा में भुत्तू गंगी में भौगोलिक स्वरूप को तैयार करने के लिए प्रशासन पूरे प्रयास में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रकृति के इस गोद में सैलानियों का सैलाब उमड़ता दिखाई देगा। देखिए, गंगी भुत्तू गंगी जो एरिया है और उसमें जो भिलंगना का जो अंतिम ग्लेशियर वाला एरिया है, वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स का तो कार्य हो ही रहा है, परंतु इसके बाद भी पूर्व में भी इसमें पूर्व जिलाधिकारियों द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया था और उसमें हम लोग भी अभी सर्वे कर रहे हैं। इसमें वहाँ पर होमस्टे को डेवलप करने के लिए और ट्रैक रूट्स को रिपेयर आदि ठीक करने के लिए कार्य हमारा प्रस्तावित है, और इस बार जो हमारी 24-25 जो डिस्ट्रिक्ट प्लान होगा उसमें उन कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा। धामी सरकार की तरफ से सीमांत गाँवों की तस्वीर बदलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत तिब्बत सीमा पर बसे गांवों में भी बहारें आने की उम्मीद है। कुदरत के खजानों से भरपूर इस गांव में पर्यटन की राहें खुल जाएं तो तस्वीर बदल सकती है और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये सबसे सुंदर जगहों में से एक तैयार हो सकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।